फ्रंट से सबसे पहले इस गाड़ी में डल चुके हैं फॉग लैंप की ग्रिल भाई ने चेंज कर दी है, ग्रिल पियानो भी हुआ है और ग्रिल क्रोम भी लगा दिया। टॉप टायर में जैनवर महिंद्रा के अलॉय व्हील डल गए हैं, 17 इंची डले हैं भाई। टॉप मॉडल में आता है ना जेडेड एल में वो वाला इंटीरियर हुआ, इसमें पूरा डैशबोर्ड सब टच हुआ है, प्रॉपर सॉफ्ट टच किया गया भाई, देख रहे हो जैसा टॉप मॉडल में आते हैं सेम वैसे ही सीट कवर, एक रिंकल आपको नहीं मिलेगा कहीं भी सीट कवर में। स्टीयरिंग देख लो कितना प्यारा लग रहा है भाई सॉफ्ट टच करने के बाद। तो जी राम राम सही भाइयों को, क्या हाल है भाइयों आप सबके, उम्मीद करता हूं बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे भाइयों। ऑटो टीम पे आज हम आए सचिन के पास, क्या हाल है सचिन? ठीक है भैया। तो आज भाई स्कॉर्पियो बना रखी है, ये आपको दिख रहा होगा टॉप मॉडल लग रहा होगा लेकिन है नहीं, ये आपका Z4 मॉडल है। हाँ जी भाई Z4 मॉडल है अपना। तो Z4 मॉडल को भाई ने पूरा ZL में कन्वर्ट कर दिया है भाई, पूरा जेन्युइन महिंद्रा का सारा काम हुआ है। हाँ जी, तो शानदार वीडियो होने वाली है, जो भाई स्कॉर्पियो मॉडिफाई कराना चाह रहा है उनके लिए बढ़िया वीडियो होने वाली है। तो एंड तक देखना कितना खर्चा आया, कितना डिस्काउंट इस गाड़ी में दिया वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है भाई, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जी भाई गाड़ी की तरफ हम आ गए हैं, सबसे पहले देख लो भाई Z4 मॉडल है, आप Z4 लाओ Z2 लाओ या Z6 लाओ भाई Z8 में कन्वर्ट करेगा ही करेगा, है ना। तो सचिन क्या मतलब कुछ ठान लिया क्या? यस भैया, बेस मॉडल को Z2 Z4 Z6 को बेस मॉडल रखेंगे, उसको Z8 टॉप में बनाएंगे भैया, टॉप में बनवाना ही बनाना है ना भाई। इस गाड़ी में हम बात करें भाई, ये आपका पहले बता दूं Z4 मॉडल है, ठीक है भाई। पूरा गाड़ी में A to Z वाला काम किया गया है, ब्रांड न्यू गाड़ी देख लो भाई, टेम्परेरी नंबर लेकर के लोग भाई मतलब यहाँ जाते हैं, कंपनी से निकालते ही डायरेक्ट हमारे पास आ जाते हैं, गाड़ी चंडीगढ़ से चल के हमारे पास आई है। ठीक है, आप लोग का प्यार सब चारों बगल से मिल जा रही है। ठीक है भाई, फ्रंट से सबसे पहले इस गाड़ी में डल चुके हैं फॉग लैंप, जेन्युइन महिंद्रा के, जेन्युइन महिंद्रा के फॉग लैंप, और सबसे डिमांडेबल चीज है भैया आज के टाइम में, पूरी गाड़ी इसी पे निर्भर है, पूरी गाड़ी हाँ। मतलब ये लगाओगे तो लगता है टॉप मॉडल है। हाँ टॉप मॉडल है और काम भी इसी के हिसाब से आजकल काम भी मार्केट में चल रहा है। अच्छा हाँ, कि कोई आपको देगा 6,000, कोई देगा 5,000, कोई देगा कुछ देगा, कोई कुछ इसी के, कोई फ्री में भी दे रहा है। हाँ, इसी के हिसाब से आजकल काम चल रहा है। अच्छा हाँ, लेकिन ये आपको बेस टॉप कराइए, फोगलेट आपको मैं 7 में दूंगा फिट करके। ठीक है भाई। हाँ जी भैया, इसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक में सेंसर आता है और इसमें सेंसर नहीं, क्या होता है? एक सेंसर लगता है, जिस जैसे जिन लोगों को ऐसे चलाने में थोड़ा दिक्कत होता है, जैसे आगे कुछ ठीक है, फ्रंट में सेंसर भी लगवा सकते हैं। ठीक है, टॉप मॉडल में सेंसर भी लगे आते हैं। ठीक है, बाकी किन भाई लोगों को जरूरत नहीं है तो दो सेंसर नहीं लगा। ठीक है भाई। हाँ, तो फ्रंट में ये जान है गाड़ी की। बिल्कुल भैया, जब तक ये नहीं लगाएगा जब तक गाड़ी का मजा नहीं आएगा, नहीं आएगा है ना भाई। बाकी ग्रिल भाई ने चेंज कर दी है। हाँ जी, बाकी अपना इसमें ग्रिल पियानो भी हुआ है और ग्रिल क्रोम भी लगा दिया। ठीक है, चेक कर सकते हैं ग्रिल पियानो और ग्रिल क्रोम भी चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई। हाँ, ये भी सारा जेन्युइन, सारा महिंद्रा ओरिजिनल अपने पास होता है, कहीं भी चेक करवा लेना कंपनी में, कहीं भी चेक करवा देना, कोई प्रेफर देगा जो सामान लगा लोकल है, इस तरह का काम करो उसे डबल पेमेंट लेके जाओ, पक्की बात, पक्की बात। ठीक है भाई, भाई ने ऑन वीडियो बताया। बाकी ये आगे आती है इसमें पेंट हुई है? नहीं नहीं, ये नहीं आती इसमें पेंट हुआ, अपने स्किड प्लेट है भाई। तो भाई तेरे हिसाब से कोई Z2 ले या फिर Z4 ले, कोई मॉडिफाई कराना चाहे, वो तो आपके ऊपर है कि आप कौन सी मॉडल ले रहे हो, पर काम सब में होगा, काम सब में होगा। हाँ, काम सब में ही होगा। अगर Z2 लेते हैं ना, जितना में आप Z4 लेते हैं उससे कम में आपको Z2 भी मिलता है, उससे कम में मॉडिफाई होकर आपको घर आप चले जाएंगे। ठीक है भाई, ये भाई ने बता दिया। तो Z2 लो, देखो काम आपको सब में कराना है, सब में काम तो होगा ही होगा, 1.5 लाख 2 लाख 1.5 लाख का काम होता ही है। ठीक है भाई, पर ये है 1.5 लाख में पूरी टॉप बन जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, कुछ भी नहीं रहा है ना। बाकी हेडलाइट में क्या ऑप्शन है? LED लगा 180 वाट का लो भी, 180 वाट का हाई बीम। ठीक है भाई, मैं जला के भी दिखाता हूँ, टॉप मॉडल वाली चाहो वो भी लगवा सकते हो, उसका थ्रो नहीं है, बट इसका थ्रो चेक कर लो भाई, देख रहे हो थ्रो बहुत बढ़िया है इसका, 180 वाट लो बीम में, 180 वाट हाई बीम में, 180 वाट से ज्यादा ये गाड़ी सपोर्ट नहीं करती, पहले ही बता दूं। बिल्कुल, जो आपको बोला मार्केट में भैया मैं 200 लगाता हूँ 220 लगाता हूँ, वो आपको वो फेक है, वो आपको वो पागल बना रहा है भाई, पागल बना रहा है, और आपको 220 वाट का पैसा लेके 180 दे रहे हैं, 180 लगा रहे हैं। ठीक है भाई, इसमें 180 से ज्यादा सपोर्ट ही नहीं होता है, 180 से ज्यादा सपोर्ट करोगे आपको बिलिंग करने लगेगा, हेडलाइट लग सकती है। ये भाई ने क्लियर बता दिया भाई, तो ये चीज आप ध्यान रखना, बाकी 180 से ज्यादा इसमें मत डलवाओ भाई, कोई दिक्कत आ जाए क्या फायदा, दिक्कत पहले इसका सपोर्ट लेता ही नहीं है, आप मार्केट में डालते हैं बोलते हैं मैं 220 डाला हूँ, वो मैं अभी देखता हूँ बोलो क्या बोल रहे हैं यार, लेकिन भाई देखो भाई हमारा जो बात करता है क्लियर बात करता है, कभी कस्टमर से हम लोग कुछ छुपा के नहीं रखते हैं, गलत काम नहीं करते हैं, किसी को सलाह देते करने के लिए, जो काम हो प्रॉपर वो काम करना चाहिए। ठीक है भाई, बाकी साइड में गाड़ी की आन बान शान अलॉय गाड़ी में डल जाए, जितना भी गाड़ी मॉडिफाई कर लो जब तक अलॉय ना लगाओ गाड़ी का मजा नहीं आता भाई। ये आपके 17 इंची डले हैं भाई, स्टॉक टायर में जेन्युइन महिंद्रा के अलॉय व्हील डल गए, ब्रेक कैलिपर ऐड कर दिया है इसमें, ये भी डल गया कैप, अपना ओरिजिनल महिंद्रा का कैप भी लगा भैया, 17 इंच लगाना चाहते हो 44,000 में आपको फिट टू फिट करके देंगे। ठीक है, 18 इंच लगाना चाहते हो 52,000 का आपको अलॉय पड़ेगा, अब जो ऐसा कंपनी का टायर ले तो सी वो अलग स्टोन हमारे उसका अलग सबको खर्च देने पर क्या है 18 इंच के टायर लगा के गाड़ी थोड़ी ज्यादा सॉलिड लगती है, ऊंची हो जाती है।
पर क्या है, अगर आपको कम खर्चा चलना है तो स्टॉक टायर में डल जाएगा, है ना भाई। बाकी साइड मिरर, साइड मिरर इसमें नहीं लगे हैं, बाकी इसमें एडजस्टिंग आते हैं, बोले फोल्ड का जरूरत नहीं है उतना, इसलिए साइड मिरर अपना ठीक है। बेस मॉडल में आप डलवा सकते हो, ठीक है भाई। 10,500 के खर्च में आपको साइड मिरर फोल्डिंग हो जाएगा, ठीक है भाई। बाकी ये, बाकी अपना रेन वाइजर लगा है, ठीक है। मार्केट गलियों का आता है, स्कॉर्पियो इनका ये आता है, ये भी लगी है, रूफ रेल इसमें आती है ब्लैक, और इसमें फूटर्स लगा है, ठीक है। पहले इसमें फूटर्स आता था, अच्छा, कंपनी ने फूटर्स बंद कर दिया, इसलिए फूटर्स लगा है। अच्छा, तो भाई फिर क्या फर्क रह गया Z2 और Z4 में, फूटर्स नहीं आता है, ठीक है भाई। और अपना ये विंडो गार्निश क्रोम लगा है, ठीक है, ये चेक कर सकते, ये डल चुका है। बाकी ऊपर की पीछे की तरफ चले, स्पॉइलर, स्पॉइलर लगी आती है, वाइपर लगी आती है, ठीक है। अगर किसी भाई को लगाना है, स्पॉइलर आपको मिल जाएगा 6,000 में, और वाइपर मिल जाएगा आपको 6,500 में। बेस मॉडल में स्पॉइलर लगा लो, पीछे का वाइपर भी जेन्युइन लगवा लो आप, ठीक है। डमी चाहो डमी लगवा लो, डमी आपको 1,000 में मिल जाएगा, ठीक है। ये भी चेंज करा सकते हो आप, टॉप मॉडल का हैंडल 4,500 का मिलेगा, जो सा कलर है ब्लैक है व्हाइट है उसका कलर का खर्च आपको अलग से देना पड़ेगा, ठीक है भाई। बाकी इसमें कैमरा आता है, कैमरा नहीं, इसमें कैमरा लगा है बुलपंग D05 का, देख लो भाई। हाँ जी, और अपना बम्पर क्रोम लगा है ये, ठीक है। और पीछे का भी स्किन प्लेट सिल्वर हुआ है, ठीक है। तो भाई कुछ भी नहीं रहा, ये कुछ छोड़ते ही नहीं हम लोग, बस ये रह गया सनरूफ नहीं भाई लगा पाता कभी, सनरूफ कस्टमर का डिमांड नहीं आता है, आया तो वो भी लगाएंगे जरूर, वो भी लगा देगा भाई, ठीक है भाई। बाकी गाड़ी का कोई काम कराना चाह रहा है भाई, आ जाना, बढ़िया काम कर देगा भाई, बिल्कुल भैया। मेरी प्रेफरेंस और भाई की प्रेफरेंस ये है कि Z2 लो, Z4 वो तो अपने हिसाब से होता है, बजट के हिसाब से होता है, पर क्या जितने में आप Z4 लोगे उतने में गाड़ी मॉडिफाई हो जाएगी, ये है ना, है ना भाई। तो अब चलते हैं अंदर की तरफ, इंटीरियर दिखाता हूँ कैसा हुआ है। तो जी भाई अंदर की तरफ चलें, तो भाई सबसे पहले अंदर की तरफ गाड़ी में भाई इंटीरियर देख लो, सेम इंटीरियर है, इसमें इंटीरियर कस्टमाइज नहीं हुआ, काफी सारी वीडियोस में आपने देखा होगा इंटीरियर कस्टमाइज होता है, बिल्कुल, पर इसमें भाई क्या हुआ, सॉफ्ट टच हुआ है इसमें, अपना भाई जो टॉप मॉडल में आता है ना Z8L में, वो वाला इंटीरियर हुआ इसमें, टॉप मॉडल वाली आपके, हमारे पास सबसे ऑपरेशन है, आइस ग्रे, येलो, ग्रीन, पैरोट कलर भी है, आपको सारे कर रखे हैं हमने, वो करवा सकते हैं, पर जो कह रहा है टॉप मॉडल वाली फील देना चाह रहा है तो वो ये करवाए, टॉप मॉडल वाली फील है, चेक कर सकते हैं आप, ये पूरा इसका डैशबोर्ड सॉफ्ट टच हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, हां सारा चीज, यहां से शुरुआत करें तो देख लो ये पूरा सॉफ्ट टच कर दिया, सॉफ्ट टच अपना हुआ है, काम का हुआ, नाम का नहीं हुआ भाई, बिल्कुल काम का है, एकदम कुशनिंग के साथ है, ठीक है। इनर हैंडल लगा है टॉप मॉडल वाले, टॉप मॉडल वाले एकदम जेन्युइन है, ना कि पेंटेड, मार्केट में आपको जेन्युइन बोल के पेंटेड भी लगा देते हैं, अच्छा, बहुत बड़ा स्कैम है, अच्छा जी, पता नहीं चलता, पता नहीं चलता है, कस्टमर को पता नहीं रहता है, मेन बात ये है, तो अच्छा बोल के पेंटर लगा देगा, ठीक है भाई, ये देख लो, ये देखो, ये देखो, और साथ में ना भी लगा है महिंद्रा ओरिजिनल, और स्विच प्लेट भी लगा है महिंद्रा ओरिजिनल, देख लो भाई। बाकी अगर किसी भाई को स्विच लगाने हैं तो स्विच भी लग जाएंगे, वो भी डल जाएंगे, है ना भाई। बाकी अंदर की तरफ इसमें फ्लोरिंग हुई है, फ्लोरिंग नहीं हुई अपना, इसमें 70 मैट डले हैं कंफर्ट प्लस की ब्राउन कलर के, ठीक है। हाँ जी, अगर फ्लोरिंग करवाना तो फ्लोरिंग भी हो जाएंगे। अंदर की तरफ सबसे पहले सीट कवर पे एक बार आप नजर मार लो, ये देख लो भाई, जैसा टॉप मॉडल में आते हैं सेम वैसे ही और बेहतरीन सीट कवर, तो भाई देखो मजा आ गया भाई, सचिन भाई ये देखो, बिल्कुल भैया मजा देंगे एकदम फुल फिनिशिंग, देखो सिंगल रिंकल नहीं मिलेगा, एक रिंकल आपको नहीं मिलेगा कहीं भी सीट कवर में, अपना सीट कवर की प्रॉपर क्वालिटी के हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि जो काम जो सब करते हैं, हर एक बार बोलते हैं काम सब करते हैं, पर काम की क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी आपको ऑटो ड्रीम पे मिलेगा भैया, मजा आ गया भाई, ये देख लो आमरेज भी पूरी सॉफ्ट टच कर दी, बिल्कुल आमरेज अपना पूरा सॉफ्ट टच हो चुका है, चेक कर सकते हो, आमरेज का भी एकदम प्रॉपर कुशन के साथ सॉफ्ट टच हुआ है, ठीक है भाई, मजा आ गया। प्लस ये भी लगाया क्या? नहीं, इसमें तो एक भी लगाते हैं, इसमें आते ही हैं, बाकी बेस मॉडल में लगवाओ, ये तो भाई जरूरी चीज है, ये पकड़ के चढ़ने के लिए, जो आपका थोड़ा सा ओल्ड है या जिन चढ़ने जाता उनके लिए बढ़िया है, और वैसे हमारे लिए बढ़िया है ना भाई। बाकी अंदर की तरफ स्टीयरिंग रैप इस गाड़ी में कर दिया, रैप हो गया है, अपना चेक कर सकते हैं, चांद डिजाइन में देख रहे हो, इसमें स्टीयरिंग क्रूज आते ही हैं, अगर भाई को किसे लगाने वो भी लग जाएंगे, क्रूज वर्किंग नहीं होता इसमें, इसमें वर्किंग नहीं होता क्रूज, नहीं वैसे Z2 में वर्किंग नहीं होता है, इसमें डमी लगता है अपना, ये लग जाता है डमी लगता है, MID वर्किंग होता है, क्रूज वर्किंग, ठीक है। बाकी ये पूरा सॉफ्ट टच किया है, पूरा डैशबोर्ड सॉफ्ट टच हुआ है, ये देख लो भाई इधर की फिनिशिंग देख लो, एकदम उधर से ही मैं दिखाऊं, एकदम फिनिशिंग के साथ प्रॉपर, ये देखो कुशन फोम लगा हुआ है, प्रॉपर सॉफ्ट टच किया गया भाई, देख रहे हो, और मार्केट में आपको क्या स्कैन कर देगा डैशबोर्ड आपको खरे खरे, अच्छा, लगी है लगे लगे लगा देगा, तो ये ऐसे नहीं होता, वैसे भैया कैसे हो जाएगा, जो काम प्रॉपर होता है उसको काम का वो कर रहे हो, ये पूरा पहले खुलेगा फिर लगेगा, जब तक सॉफ्ट टच में डैशबोर्ड खुला नहीं जब तक सॉफ्ट टच का मजा नहीं आएगा, पक्की बात है, वो आपके क्या करेगा नॉर्मल कपड़ा लेगा और इसमें लगे लगे लगा, तो भाई वो तो ये मान लो कि जुगाड़ वाला काम हो गया, वाली काम प्रॉपर अगर काम करवा दो, देखो प्रॉपर फोम बनाना चाहिए, स्टैक कुशन तभी है, मैं अंदर बैठ के आपको दिखाऊंगा, हां जी प्रॉपर आपको भाई फिनिशिंग मिलेगी, हां जी प्रॉपर, लेकिन सचिन भाई जो काम करेगा ना जेन्युइन करेगा भाई, जेन्युइन काम होता है अपने भैया, ये गारंटी भाई मैं भी देता हूं, है ना,
सेंटर कंसोल पियानो हो गया है, पूरा पियानो ब्लैक हुआ है अपना। इसका ये भी देखिए साइड का ये दोनों पट्टी भी अपना सॉफ्ट टच कर दिया गया, ये भी सॉफ्ट टच हुआ है। स्टीयरिंग देख लो कितना प्यारा लग रहा है भाई सॉफ्ट टच करने के बाद। ये भी आप जो इसका मीटर फ्रेम है ये भी पियानो ब्लैक करवा सकते हैं बिल्कुल। बाकी बेस मॉडल में जो आता है ये भी करा सकते हो? हाँ जी बिल्कुल, ये साइड बैंड भी सिल्वर करवा सकते हैं। ठीक है भाई, बाकी टॉप मॉडल वाला सिस्टम लग जाएगा वो भी। आर्मरेस्ट तो मैंने दिखाई दी है, ठीक है बढ़िया काम हो गया। क्या रह गया इसमें? इसमें तो मेरे साथ सारा चीज लगी, बस एक दो चीज रह गया, वो कस्टमर का जो नीड नहीं था वो नहीं। बाकी ये आप इसमें नहीं लग पाता भाई, इसमें नहीं लग पाता, इसका प्रॉपर यही तक आया नहीं है सनग्लास। इसमें सनग्लास होल्डर आपका, इसमें सनग्लास तो लग, चश्मा तो आ जाता है बस लाइट दो नहीं जाती है। सनग्लास होल्डर आपको जेट टू में लग पाएगा भाई, लग जाता है ना भाई। बाकी पीछे की भी सीट कवर के मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी खर्चा कितना आ गया भाई इस गाड़ी में? वही खर्चा आ गया है 20-30 का खर्चा है। ठीक है भाई, बाकी बेस मॉडल ले रहे हो तो थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, पर ये क्या भाई काम जेन्युइन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लेन नहीं आएगी। आप खुद देख लो कोई भी कमी पेशी लग रही होगी आपको, इतनी मतलब गाड़ियां करी हैं, आपको हल्का सा नहीं लगा होगा कि गाड़ी में कोई दिक्कत है। इंटीरियर कस्टमाइज भी हमने बहुत करे हैं, बहुत किए भैया बहुत, और पहले हमने ही करा था भाई, पहले हमने ही करा था, हमारा से स्टार्ट हुआ है। बाकी और करा भाई, पूरा हमने इंटीरियर चेंज कर दिया, कोई पहचान नहीं सकता भाई ये स्कॉर्पियो में बैठे हुए, ऐसा लग रहा है भाई लैम्बोर्गिनी है किसमें बैठे हो आप भाई ने ऐसी बना दी। डिफेंडर में डिफेंडर वाला इंटीरियर भी करा, वोल्वो वाला इंटीरियर किया, मैंगो कलर का, बहुत किए भैया अनगिनत है। ठीक है भाई, तो कुछ रह गया हो तो भाई को कमेंट करके पूछ लेना। बाकी टॉप मॉडल वाला सिस्टम भी आप लगवा सकते हो बिल्कुल भैया। बाकी पीछे की तरफ सीट कवर का लुक दिखाता हूँ, पीछे का भी डोर पैनल चेक कर लो आप, पूरा सॉफ्ट टच किया गया है, देख लो भाई जैसे आगे की फिनिशिंग है वैसी सेम पीछे की फिनिशिंग। इनर हैंडल चेंज हो गए हैं, ग्रैब हैंडल पीछे के भी चेंज कर दिए, ये भी चेंज हुआ है, पीछे का स्विच प्लेट भी है ना, पीछे के मैट देख लो भाई, बढ़िया फिनिशिंग बढ़िया काम के साथ। बाकी भाई सीट कवर देख लो भाई, ये रे भाई इस गाड़ी के सीट कवर फिनिशिंग देख लो भाई, ठीक है भाई क्वालिटी देखो फिनिशिंग देखो कहीं भी आप आमरेस्ट क्वालिटी दिखाओ भाई, ये देखो ये देख लो भाई, ठीक है पीछे वाला भी देख लो, पीछे वाला भी एकदम प्रॉपर है भैया, बढ़िया फिनिशिंग है भाई। ठीक है, तो कैसा लग रहा है भाई कमेंट करके बता देना भाई। सचिन भाई मजा आ गया भाई गाड़ी में काम, भैया दिल खुश हो जाएगा काम करने के बाद। ठीक है भाई, तो कोई आना चाह रहा कहाँ पे आए? दिल्ली करोल बाग ऑटो ड्रीम कार एक्सेसरी चाहिए भैया भाई बिल्कुल। कितने दिन ओपन है शॉप? 7 डेज ओपन, आप किसी भी टाइम आ सकते हो भैया, पक्की बात, पक्की बात है। बाकी डिस्काउंट देगा मेरे नाम का जो बेस्ट करा 5000 का कोई आना चाह रहा आ जाना भाई। तो जी भाई कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके बता देना, पूरा ही गाड़ी में काम किया गया भाई, पूरा ही जितना हो सकता है सारा काम किया गया। तो कोई भाई काम कराना चाह रहा आ जाना भाई के पास, बढ़िया काम कर देगा, मेरे नाम से डिस्काउंट दे दियो भाई बिल्कुल भैया जरूर देंगे। ठीक है भाई, तो बेस मॉडल लो या फिर उससे ऊपर वाला मॉडल लो, सब में ही आपको काम कराना ही पड़ेगा और सब में काम बढ़िया कर देगा भाई। ठीक है, बाकी लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाना और कमेंट करके बताओ गाड़ी कैसी लग रही है। ठीक है भाई, बाकी ऐसे प्यार बनाए रखो, सपोर्ट बनाए रखो, मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, ऐसे कर दे भाई।